बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल मुबारक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दरुद शरीफ का वर्द करें। जो भी दरुद आपको याद हो उसका आपने वर्द करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मा हुआ अहलू। फिर सेकंड दरुद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी वाला आलिही वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। ये मुख्तसर दरुद शरीफ है। दरुद शरीफ की बहुत बरकत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्द करें। अस्सलामु अलैकुम जी। आज ये छोटी सी काविश है कि हमने ये जो आम बास्केट मिलती हैं, ये वाली जो आम बास्केट मिलती हैं रोटी रखने के लिए, उसका हमने राउंड में उससे 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर 4 फोल्ड में आप सी लें इसका कवर, और या फॉर्म भी अंदर आप लगा सकते हैं। फॉर्म को भी उसी शेप में काटें और सिलाई कर लें। ये प्रिंटेड अच्छा कपड़ा था तो हमने बेडशीट में से बचा था, तो इसका राउंड में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें और राउंड में सिलाई करें। फिर उसके बाद हमने इससे, ये हमारे पास डोरी है जो गले में लगाते हैं, तो इस गोल डोरी को हमने चार डोरियां ली एक साइज़ के, और इस मशीन में इसकी मोटी डोरी इस तरह बना ली, चुटिया बना ली, और फिर उसमें ये टेसल फैब्रिक के लगा दिए। इस तरह हमारा ये खूबसूरत रोटी का कवर रेडी हो गया। अब दस्तरखान में लपेट के आप ये रोटियां इसमें रख दें, और ये कम बजट में आपको कम मनी लगानी होगी। और पीस ये बचा हुआ ही था बेडशीट में से, तो ये हमारा लो बजट में खूबसूरत एंड सिंपल रोटी का कवर बन गया। इसी तरह छोटी छोटी काविशें करते रहें ताकि बचत भी हो और आपको पॉजिटिव एक्टिविटी भी मिले। अब ये जो कतरने हैं इस वेस्ट को भी बारीक बारीक कतरनों को कट करके आप कुशन में गोल तकिए जो बनते हैं उसमें, फ्लोर कुशन जो हो उन सब में भर के फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटी छोटी काविशें करते रहें, वो एक दिन बड़ी काविश बन जाएगी। चाहे हालात बेहतर हों या ना हो, इंशाल्लाह अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपके हालात बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।